110। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस मतलब क्या, डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका सपोज यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तभी तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह पॉइंट करेगा। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द डायपोल, है ना, हर चीज यहीं से नापते हैं, याद रखना। ठीक है, जो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे डायपोल का, उसमें जो आर वगैरह आता है वो यहीं से नापते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है, पॉइंट पी, सच दैट पॉइंट पी जो है पोजिशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो पोजिशन वेक्टर तो ओरिजिन से नापते हैं। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट पी का जो पोजिशन वेक्टर है अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है ना, और एक्सिस पोजिशन वेक्टर थीटा। ठीक है, चलो ये आपका एक मिसिंग हो गया, यहाँ हाफ टेन थीटा होना चाहिए। ठीक है, अबे क्वेश्चन पूरा सही है, तो मैं क्वेश्चन में जो जो पढ़ा था उसको वापस यहाँ लिख देता हूँ। आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक डायपोल को रखा गया है ओरिजिन पे, जब बोला गया ओरिजिन पे रखा गया तो मैं सोचना एग्जैक्टली कहाँ रखा गया। ठीक है, डायपोल बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ मान लो जो भी डायपोल मोमेंट का वेक्टर इस तरह पॉइंट कर रहा है, और ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन से किस हर पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से लिया जाता है, एक पॉइंट पे पी, उसका पोजिशन वेक्टर कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, याद रखना जो डायपोल का फॉर्मूला सब हम लोग डेराइव किए थे उन सब में एंगल थीटा ही एंगल होता है वेक्टर, डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर और पोजिशन वेक्टर के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा ही आया है ना। आप जो फॉर्मूलाज में यूज करते थे ना, थीटा केपी कॉस थीटा वो सब थीटा, एक्चुअल में यही वाला थीटा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉइंट पी पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया है, कहीं भी मुझसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ये एंगल कितना है। ठीक है, देख लो, है ना। ठीक है, आपको याद होगा इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, अल्फा के बारे में नहीं बताया गया है ना, नहीं, तो आपको याद होगा अगर आप थ्योरी पढ़े हो, इस एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर वाला डायरेक्शन को अगर एक्सटेंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल को अल्फा बोलते हैं, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, ये कोई वैसा स्टैंडर्ड चीज तो नहीं है, ये मेंशन होना चाहिए था, है ना। तो ये क्वेश्चन में आप अज्यूम कर लो ये दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया ये एंगल कितना है। ठीक है, ये तो आप सिंपल निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। अब देखो ये थीटा है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको याद हो 9th 10th में पढ़े थे ना हम लोग, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा, और जिनको मैथ्स पसंद नहीं, जैसे बायो वाले बच्चों को बोल रहे नहीं मुझे नहीं पसंद है मेथड, तो उनके लिए दूसरा मेथड है। ठीक है, मान लो ये एंगल एक्स है, तो आपको पता है थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स क्या है, 180 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 180 माइनस एक्स, है ना। अगर आप ये एंगल लिखो, ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ये एंगल तो पता करना था आपको, और 180 माइनस एक्स का वैल्यू पता चल गया थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खाली ध्यान देना ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, है ना, कि अल्फा कौन सा डायरेक्शन, इस क्वेश्चन आप ऐड कर दो। ठीक है, या यहाँ पे चलो मिसिंग नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मैं देखा नहीं, ये लास्ट में दिया हुआ है, ये तो आपको पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, तो आपको ये दे दिया मतलब अल्फा समझ में आ जाने से कौन सा एंगल है। ठीक है, चलो ठीक है, ये था 110, सॉरी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग नहीं था, मैं पढ़ा नहीं था लास्ट पार्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111। तो 111th क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ऑप्शंस बहुत सारे में मिसप्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जिस चैप्टर का करें हम लोग, वहां पे मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसका टेंशन मत लो। अ चार्ज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए, इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा कूलम पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज। इसको मैं, एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको पता होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो आपके पास अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, और उस पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है, और वैल्यू होता है 2K लैम्डा बाय रेडियस। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है
तो अब 2k लैम्डा बाय रेडियस को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही होगा प्रॉब्ली, ऑप्शन देखकर वो पता चल रहा है मिसिंग है, तो k का बदली 1/4 लिख लेते हैं। हाँ, जिनको नहीं पता मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूंगा, जिनको डेरिवेशन पता है वो आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाय r, तो यहाँ से देख सकते हो 2 से 4 का फैक्टर 2 बन जाएगा, तो लैम्डा बाय 2π ε0 r, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल के कारण, ठीक है, उसके सेंटर पे है ना, डायरेक्शन में दिखा दिए, ठीक है, सिमेट्री के अलावा, ठीक है। तो लैम्डा बाय 2π ε0 r, तो 2π ε0 r, तो देखो यहाँ पे r का स्क्वायर है, r जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, ये लोग उसको a बोले है ना, रेडियस a बोले, मैं r बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे a लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ a का स्क्वायर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, यहाँ तो 4 का फैक्टर है, हमें नीचे में क्या चाहिए, 2 का फैक्टर चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन कंप्लीट कर लेते हैं, लैम्डा बाय 2π ε0 a, ऐसा ऑप्शन, ठीक है। अब जिनको ये फॉर्मूला कैसा है वो नहीं पता, तो मैं उनके लिए अब आगे बढ़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बनाते हैं या इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको पता है आगे बढ़ जाना। तो 111 को मैं शुरू से करने वाला हूँ, तो आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कल है, ध्यान देना, और उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो थोड़ा बड़ा रिंग बनाता हूँ मैं, ताकि इंटीग्रेशन या एलिमेंट्स ड्रॉ करने में मुझे आसानी हो, और वाइट इंक से बनाता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आपके पास यहाँ पे एक आधा रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो कितना दिया हुआ है, लैम्डा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिमेट्री का यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ से थीटा एंगल ऊपर देखोगे है ना, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज लिए हो, तो उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे चाहिए, ओ पे चाहिए, है ना, ठीक है। और फिर इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे जो चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, इसके कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, याद रखना पॉजिटिव पॉइंट जैसे कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अवे ले लिए, अब ध्यान रखना कि ये एंगल जिसको आप थीटा लिए थे, उसके कारण ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, पक्का नहीं, ये थीटा है, तो ये कितना होगा ये हमें नहीं पता, पता है क्या, देखते हैं। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज है, ठीक है, और ये थीटा है तब ये थीटा, हाँ, तो थीटा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचना होगा क्यों थीटा लिए, ठीक है। अब मान लो इसके कारण ये तो स्मॉल पार्ट है, ठीक है, स्मॉल पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको डीई बोल रहा हूँ मैं, और इसको भी मैं डीई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये वाला डीई वेक्टर और ये वाला डीई वेक्टर ऐसे ओरिएंटेड है, सच दैट उनका रिजल्टेंट इस तरफ ही आने वाला है, दिख रहा है ना आपको, देखो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएगा, ऐसे डॉटेड में बना रहा हूँ, वैसे इसका नीचे वाला एरो का वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, डी डी, तो वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला तो सेम डायरेक्शन में है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ पॉइंट करेगा, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ, मैं बोलना चाहता हूँ अल्टीमेटली इसको आप दो वैक्टर में तोड़ोगे तो एक राइट और एक ऊपर आएगा, और इसको भी दो वैक्टर में तोड़ेंगे तो एक राइट और एक नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट राइट वाले बच जाएंगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन, राइट मतलब राइट डायरेक्शन है ना। तो अल्टीमेटली आपको ये तो पता चलेगा कि डायरेक्शन राइट की तरफ ही होना है, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं, जो यहाँ पे वेक्टर आ रहा है कितना होना चाहिए, डी कॉस थीटा का ट्वाइस, क्यों, क्योंकि इस ऊपर वाले कारण डी कॉस थीटा आएगा, नीचे वाले कारण भी डी कॉस थीटा आएगा, दोनों डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, 2d cos θ, समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट, इसका और इसका इफेक्ट हम लोग देख ले, तो वो कितना आएगा, इन दोनों का इफेक्ट है 2d cos θ, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, अब इसको, अब इतना तो हो गया, अब आंसर कैसे आएगा या फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, अब उसके लिए क्या, यहाँ पे जो मैं छोटा चार्ज बोला ना, मान लो ये छोटा चार्ज जो है सेंटर पे ड्रॉ नहीं हुआ अच्छे से, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल बुक्स में आप देखोगे तो ऐसा ड्रॉ होता है, वही इसमें थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है बस। तो ये अगर रिंग का सेंटर है, तो मैं ये बोलना चाहता था कि ये एंगल तो थीटा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से आप एकदम छोटा एंगल ले लो, तो वही छोटा एंगल ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि बहुत ही छोटा एंगल है डी थीटा,
है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे स्मॉल स्मॉल चार्ज लिया था, एक्चुअली में वो स्मॉल चार्ज ये है, ठीक है। याद रखना डी थीटा ऑलमोस्ट जीरो है, डी जब भी आ गया डी सामने में तो बहुत छोटा है, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना, ठीक है। तो हम लोग ये पॉइंट चार्ज है, याद रखना छोटा चार्ज क्यों रहता है, ताकि पॉइंट चार्ज बन जाए, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखा था मैं, डी लिखा था, तो ठीक है चलो वैल्यू लिखते हैं। डी कितना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण। आपको पूरे रिंग पे आप खाली इसको डी के बारे में सोचना, बाकी आपको भूल जाओ, ठीक है। और पॉइंट चार्ज वो भी सोचना, भले ड्रॉइंग से आपको नहीं लग रहा है। तो डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, रेडियस आर। इतना तो डिस्टेंस है ना ये पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रही तो है, ठीक है। जो डी का वैल्यू इतना आ गया, तो आपका जो टू डी कॉस थीटा था उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू डी टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे डी थीटा का तो यूज आया ही नहीं, आएगा भी, ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे रिंग कवर होने वाला है डी थीटा के कारण तो कवर होने वाला है, ठीक है। हाँ अब देखो क्या होगा, डी क्यू कैसे निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है ना। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना है, तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। प्रॉब्लम है लेकिन डीएल नहीं है, लेकिन डीएल का वैल्यू निकाल सकते हैं। डीएल क्या है, अब देखो डी क्यू चार्ज कितने लेंथ के ऊपर है, डीएल लेंथ के ऊपर है। यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज दिख रहा है आपको वो कितने लेंथ के ऊपर है, इतने लेंथ के ऊपर है ना, यही तो आपका डीएल लेंथ है, ठीक है। वो याद रखना बहुत ही छोटा है, सब नंबर सब बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी डीएल लेंथ का लेंथ कितना आएगा, उसके लिए आप इस आर्क को देखो, ये डीएल लेंथ क्या, आर्क ऑफ द सर्कल ही तो है, और आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। अगर मैं आपको एक आर्क ऑफ ए सर्कल का लेंथ पूछूं, जो भी एंगल हो, अगर ये डी थीटा है और रेडियस आर है, तो आर्क लेंथ कितना होता है, आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो आपका डीएल हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल, ये डीएल लेंथ कितना एंगल सब्टेन कर रहा था सेंटर पे, डी थीटा, ठीक है, लैम्डा आर डी थीटा। तो आपका डी क्यू हो गया ये लैम्डा आर डी थीटा, समझ में आई बात। तो उसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, टू के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, तो टू के लैम्डा डी थीटा बाय आर, ये है ना, ठीक है। और साथ में था टू डी, तो लिखा मैं कॉस थीटा लिखना भूल गया, कॉस थीटा भी था हर जगह, ठीक है। तो आपका टू डी कॉस थीटा इतना आया। अब ध्यान देना कि जो 2d cos थीटा आया था, इसमें आपने दो एलिमेंट्स ऑलरेडी ले लिया था, एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया था और एक यहाँ वाला पॉइंट चार्ज लिया था, ठीक है। अब इसको रेड से दिखाता हूँ मैं, यहाँ वाला पॉइंट चार्ज आपने ले लिया था और यहाँ वाला ही पॉइंट चार्ज ले लिया था, ध्यान है, ठीक है। तो आप हमेशा पेयर में निकाल रहे हो, यहाँ पेयर को लेने के बाद इतना आया था, इससे 2 का फैक्टर आया है, ठीक है। तो आपका जो ये रिजल्ट यहाँ पे आया है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये जो बीच में रिजल्ट पहुंचा है अभी तक, ये दो चार्जेस का मिला के, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आप इंटीग्रेशन करते वक्त एक हाफ कवर कर लो, ऊपर वाला हाफ कवर कर लो मानो, तो नीचे हाफ तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने जब ये स्मॉल पार्ट का निकाला है उसमें आपने ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले को आपने कंसिडर करके ही तो निकाला, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा पुट करना है कि ऊपर वाला कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि 2 का फैक्टर के कारण नीचे वाला ऑलरेडी कवर हो रहा है ना। तो आपको इंटीग्रेशन इसमें जब पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 2 के लैम्डा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है वो हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। जब एंगल चेंज करोगे तो आप, तो इस समय कोई चेंज नहीं होने वाला, लैम्डा आपको बोल दिया था हर जगह सेम है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज था, रेडियस तो हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, ऑफकोर्स को मतलब ही नहीं है। तो आपको थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कराना चाहिए, 0 to π/2। अब मैं यहाँ पे इसको 90 डिग्री क्यों नहीं लिया, अपर लिमिट को 90 डिग्री से नहीं लिया, क्योंकि आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था डीएल का आर डी थीटा, है ना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब डी थीटा रेडियन में, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, कब होता है, जब एंगल रेडियन में मेजर किया जा रहा हो, ठीक है। तो इसलिए मैं पाई बाय टू यूज़ कर रहा हूँ, 0 रेडियन और 0 डिग्री तो सेम होता है, लेकिन पाई बाय टू रेडियन और 90 डिग्री दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ना, पाई बाय टू 1.5 के आसपास होता है, 90 ऑफकोर्स 1.5 से अलग, ठीक है। और 0 to π/2 मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर आप वापस यहाँ दो तो आपने थीटा कहाँ से मेजर किया था, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे निकाले हो, ये जो सर्कल वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो आपको कुछ थीटा दिख रहा है, थीटा कहाँ से मेजर किया था, वापस वो डायग्राम देखो, थीटा आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था, ये तो थीटा आपका, ठीक है। तो आप सोचो अब कि आपको खाली ऊपर वाला रिंग कवर करना है,
ऊपर वाला रिंग का एक्सट्रीम पॉइंट से ये और ये, यदि नीचे रिंग तो अपने आप कवर हो जा रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसा तरीका ही यूज किए थे। तो यहाँ पे इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट के लिए थीटा क्या है, 0 है, और इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट के लिए थीटा क्या है, 5/2 है, ठीक है। तो उन दोनों वैल्यूज को अगर पुट करें तो 2k λ/r, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन थीटा होता है, लिमिट 0 to π/2, ठीक है। तो π/2 पुट करो लिमिट, पहले sin π/2 − sin 0, तो sin π/2 1 होता है, तो 2k λ/r यानी 1/2π εr λ, ठीक है। बस यही तो प्रूफ करना था मुझे, आर को क्वेश्चन में ए बोला गया, बस ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 हो गया आपका, तो ये था 111। 112 देखते हैं। आप हिम्मत सोचो ना कि ये जो प्रूफ सब हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम में प्रूफ तो नहीं पूछता, तो प्रूफ क्यों देख रहे हैं यार? प्रूफ देख रहे क्योंकि प्रूफ का हर एक स्टेप समझने में बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसलिए प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो पूछता है ना आपसे एग्जाम में, तो अल्टीमेटली ये ध्यान देना, मैं इस चैनल में किसी भी वीडियो में कोई भी लाइन बोल रहा हूँ सब आपके एग्जाम से समहाउ रिलेटेड है। मैं कोई कहानी भी सुना रहा हूँ तो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप वो सब कभी क्वेश्चन मत करना इस चीज को कि सर जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये रेलेवेंट भी है कि नहीं, उसका टेंशन मत लेना कभी, ठीक है। 112 था वो। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में है, मतलब पेज के अलग अलग पार्ट में, तो उसको मैं अलग से 2 बार लेना होगा। 112th क्वेश्चन जो है उसका ये पार्ट, दूसरा पार्ट भी लाते हैं, न्यू तो क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एज पर दिस डायग्राम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन ओ पे एज पर दिस डायग्राम बोला है, ठीक है, लेकिन शायद मिस मतलब प्रिंट नहीं हो पार्ट। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए, माइनस क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गया गया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, a, यानी ये लेंथ आपका ए है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 0, a, 0, यानी ये लेंथ भी ए है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, इसका कोऑर्डिनेट्स है 0, a, है ना, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज आपको दिख रहा है उसको ए से बी तक लाया गया इस पाथ के अलॉन्ग, एरो वाला पाथ के अलॉन्ग लाया गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो दिखाया गया पाथ उसी में मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि पूछा क्या गया है, वर्क डन पूछा है ना शायद, पूछा क्या गया है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ इज वर्क डन ना, हाँ वर्क डन ही तो पूछा है, हाँ क्वेश्चन में मेंशन कहाँ गया अपना, हाँ ये वर्क डन, हाँ वर्क डन यहाँ लिखा हुआ है, वर्क डन ही पूछा है, ठीक है। तो वर्क डन माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना वर्क डन है, ठीक है। अब जब भी आप किसी पॉइंट चार्ज को मूव कर रहे हो ना, तो फिर वर्क डन निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला, जब भी आपको वर्क डन बोले और बोला नहीं गया एजेंट, तो आप मान लेना एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, और वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू, अगर चीजें स्लोली स्लोली हो रही हो तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है तो आप मान लो डेल्टा यू है। अब जो डेल्टा यू है वो होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब डेल्टा वी जो है वो निकालते वक्त आप सिर्फ पोटेंशियल लेना उन पॉइंट चार्जेस का जिनको मूव, या उन पॉइंट चार्जेस का जो मूव नहीं हो रहे, मतलब समझ में आ रही है ना। देखो यहाँ पे एक चार्ज तो है जो मूव हो रहा, यह है विच इज बीन मूव्ड, उसे तो वर्क निकालना है ना, उसको मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, विच इज बीन मूव्ड। तो जिसको मूव कराया जा रहा है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये है पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द अदर
अदर चार्जेस, मतलब जिसको मूव किया जा रहा है उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को डेल्टा यू जब लिखते हैं तो डेल्टा यू में क्यू इंटू डेल्टा वी में, ये तो गया चार्ज विच इज बीन मूव्ड, चार्ज जिसको चलाया जा रहा है, जिसको मूव किया जा रहा है, ठीक है। और डेल्टा वी में जो वी है ये है पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस, यानी किसी क्वेश्चन में आपके पास पांच चार्जेस है और आपको उसमें से एक से फर्स्ट चार्ज को मूव किया गया किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक और आपसे पूछा गया वर्क डन कितना हुआ, बाकी चार्जेस अपने पोजिशन में फिक्स है मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि बाकी जो चार चार्जेस फिक्स रहे थे उनका पोटेंशियल को यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक है। ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस का जिसमें एक चार्ज मूव किया जा रहा है बाकी लोग फिक्स है, ठीक है। तो अगर इतना समझ गया तो इस क्वेश्चन में कितने चार्ज है, टोटल दो ही चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दो ही चार्ज है उसमें भी एक चार्ज हमेशा फिक्स्ड है, कौन सा फिक्स है, जो पॉइंट ओ पे रखा गया है प्लस क्यू वो फिक्स्ड है ना, और किसको मूव किया जा रहा है माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू को मूव किया जा रहा है तो उसको तो भूल जाओ अभी, तो उसको मैं लिखूंगा ही नहीं अभी के लिए, ठीक है। अब माइनस क्यू को कहाँ से कहाँ मूव किया जा रहा है, ये उसका इनिशियल पोजिशन है, ये उसका फाइनल पोजिशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइनल पोजिशन क्या है, पॉइंट बी है, तो आपको डेल्टा वी निकालने के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट है, और याद रखना पोटेंशियल भले पोटेंशियल होता है पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, लेकिन उस फॉर्मूला जो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला में पोटेंशियल किसका लेना है हमें, सिर्फ जो चार्ज फिक्स रहा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस क्यू का पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय ए, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है। वैसे प्लस क्यू का पोटेंशियल ए पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए, क्योंकि पॉइंट ए भी इससे कितने दूर पे, स्मॉल एडिशन दूर है, ठीक है। तो डेल्टा वी तो जीरो है, अगर डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो, अगर डेल्टा यू जीरो है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट और पॉइंट भी सेम पोटेंशियल की, अगर सेम पोटेंशियल की है तो कोई पोटेंशियल चेंज आया ही नहीं। जस्ट लाइक वैसे समझो ना, पेन अगर अर्थ सर्फेस है किसी हाइट पे, ये सपोज अर्थ सर्फेस है, यहाँ से ऊपर एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल को आप यहाँ से घुमा फिरा के वापस उसी हाइट पे लेते आओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा, सेम हाइट पे आ गया ना, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो बोलोगे, ठीक है। आपको मेहनत लग रहा है वो अलग चीज़ है, आपके मसल्स थक रहे वो अलग चीज़ है, उसको वर्क से मत लेना, उसका अलग होता है, वो अंदर में वर्क होता है, ठीक है। बॉल पे कितना वर्क किया आप, जीरो किया, ठीक है। हाँ तो ये था क्वेश्चन नंबर 112 जिसका आंसर क्या आ गया, जीरो आया, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आंसर था जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे पोटेंशियल सेम था। 113 देखते हैं अब, न्यू ये ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, तो Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे, ये 30 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है। Q2 देख लो यहाँ पे है ना, और एज शोन इन द फिगर अ थर्ड चार्ज Q3 ये है, उसको मूव किया जा रहा है अलॉन्ग द आर्क, आर्क ऑफ सर्कल मतलब किसी सर्कल के ऊपर मूव किया जा रहा है, डॉटेड लाइन जो सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक। तो यहाँ पे ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है और ये वाला चार्ज को मूव किया जा रहा है, ठीक है, इस डॉटेड पाथ के ऊपर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है फिर से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स डेल्टा में, ठीक है। तो फिर से जो चार्ज को मूव किया जा रहा है वो कितना है, Q3 को मूव किया जा रहा है ना, Q मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है ना, और डेल्टा V में किसका किसका पोटेंशियल आएगा, सिर्फ A का, A वाले चार्ज का और B वाले चार्ज का, क्योंकि उनको फिक्स रखा गया, ठीक है। डेल्टा V फाइनल पोजिशन क्या है, D है, डेल्टा मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डेल्टा V मतलब फाइनल पोजिशन जो कि ये है और इनिशियल पोजिशन जो कि ये है, तो फाइनल पोजिशन क्या है, डी है, इनिशियल पोजिशन क्या है, सी है, ठीक है। तो वी डी माइनस वी सी करेंगे, है ना। अब पोटेंशियल एट पॉइंट डी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट डी हो जाएगा। अब देखो आपको सिर्फ इस चार्ज और इस चार्ज के कारण निकालना है, क्यू वन और क्यू टू, ठीक है। तो क्यू वन के कारण तो हो जाएगा के क्यू वन बाय फोर्टी सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये Q1 जो है पॉइंट D से 40 सेंटीमीटर दूर है, सर्कल था ना, ये सर्कल था तो रेडियस तो 40 रहेगा ना, यहाँ रेडियस 40 दिया हुआ है, यहाँ भी 40 आएगा, ठीक है।
प्लस क्यू टू, क्यू टू से पॉइंट डी, क्यू टू और पॉइंट डी के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो यहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 meters, यहाँ तक समझ में आया आई होप, है ना। पॉइंट सी पे देखते हैं पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। पॉइंट सी पे क्यू वन के कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन बाय 40 सेंटीमीटर यानी 0.4, क्योंकि क्यू वन फिर से पॉइंट सी से, यही क्यू वन है ना, ठीक है, यहाँ मैं रब कर देता हूँ उसको थोड़ा। क्यू वन अभी भी देखो पॉइंट सी से आप देख सकते हो 40 सेंटीमीटर दूर है, और जो क्यू टू है, क्यू टू यहाँ है ध्यान देना, ठीक है, पॉइंट बी पे, वो पॉइंट सी से कितना दूर है, तो उसके लिए मुझे एक लाइन खींचना होगा बताने के लिए कितना दूर है। ये लाइन सीधा खींचना होगा, ठीक है, और ये कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट सी जो है Q2 से कितना दूर है, 50 सेंटीमीटर है ना। तो VC और VD का वैल्यू को पता है, दोनों को यहाँ पुट करो, ठीक है, Q3 को Q3 रहने दो। अब VD में भी और VC में भी फर्स्ट टर्म देखो कॉमन है, ये वाला टर्म देखो कॉमन है दोनों में, के क्यू वन बाय 0.4, के क्यू वन बाय 0.4, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो के क्यू टू अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है के क्यू टू बाय 0.1 माइनस के क्यू टू बाय 0.5, ठीक है, लास्ट वाला फिर से लिख देते हैं हम के क्यू टू बाय 0.5, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। चल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी रिजल्ट को मैं सिंप्लीफाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, क्यू थ्री इंटू के क्यू टू तो कॉमन, 1/0.1 हो जाएगा 10 और 1/0.5 हो जाएगा 2, तो 8 के Q2, ठीक है, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, 8 के Q2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था द पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल सिस्टम इज, तो चेंज इन पोटेंशियल ही दे दिया था, ऑफकोर्स यहाँ पे प्रिंटिंग है मिस्टेक। अब देखो ये के और हम लोग जो के लिखते हैं अलग अलग के, ठीक है, के सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, तो इसके को मैं अब कन्फ्यूज ना हो के डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता चल गया क्या प्रिंटिंग छूट गया है, 4πε0 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू थ्री इंटू के डैश डिवाइडेड बाई 1/4πε0, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, क्यू थ्री के डैश का वैल्यू निकालना हमें डिवाइडेड बाय 1/4πε0, ठीक है, क्यू थ्री है ना, हाँ क्यू थ्री, सॉरी क्यू वन क्यू थ्री दोनों आएगा ना, तो एट, सॉरी यहाँ पे मैं क्यू थ्री लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रिंटिंग छूटा है, एक क्यू थ्री भी होगा क्यू टू भी होगा, ठीक है, Q3 into Q2, ठीक है, ये छूटा हुआ था Q3 into Q2, है ना, क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, वहाँ छूट गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि डेल्टा यू का वैल्यू इतना है, हम लोग डेल्टा यू का वैल्यू कितना निकाले, 8K, अभी K क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू टू क्यू थ्री हो तो क्या, क्यू टू क्यू थ्री कैंसल, 1/4πε0 कैंसल, ठीक है, तो आपका के थ्री का वैल्यू कितना आया, 8, है ना, तो आपका 8 वाला आंसर सही है, ठीक है, 8 वाला आंसर एक ही है ना, हाँ। तो क्यू वन कहाँ से आ रहा है, ये गलत की वैल्यू, क्यू वन नहीं आएगा, क्यू टू आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो मैं अज्यूम कर लिया क्यू टू है वहाँ पे, लेकिन क्यू टू नहीं है, जो भी आपका 8 का फैक्टर आने का, अगर मैं क्वेश्चन को अज्यूम कर लूँ कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है, तो आपका के डैश वैल्यू 8 आने वाला है, ठीक है, आप उस पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन को आप पूरा चेंज कर लो, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, मैं फिर से अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो आप ये क्वेश्चन नोट करो जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू दिया गया है, ये एक्चुअली में ये दिया हुआ है के डैश, के मतलब के डैश, ठीक है, के मतलब के डैश मानना, के डैश क्यू टू और क्यू थ्री आएगा, क्यू वन तो नहीं आने वाला, डिवाइडेड बाय 4πε0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये मानते हुए क्वेश्चन को मैंने के डैश का वैल्यू निकाला, तो के डैश का वैल्यू मुझे क्या मिला, 8 मिला, ठीक है, समझ में आई बात, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 113, ये इजी क्वेश्चन था,
हाँ फॉर्मुलेट वैसे किया गया कि हार्ड लगे, लेकिन है तो इजी क्वेश्चन सबके सब। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। जब मैं इजी बोलता हूँ मैं सोचा ना अपने रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मैं बच्चों के रिस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया हूँ तो वो सब एक्सपीरियंसेस में बोल रहा हूँ कि ये इजी क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन है, मतलब एवरेज बच्चे जो क्वेश्चन को कर ले उसको मैं इजी बोल रहा हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 114। In order to balance the weight of an electron in an electric field E, the magnitude and the direction of the electric field will be, ठीक है, अब देखो बैलेंस द वेट मतलब दो ही फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक तो mg वाला फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन तो को पता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना है, दो ही फोर्स है तो दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल तभी कर सकते हैं या दूसरा फोर्स पहले के अपोजिट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स है, एक तो वेट अर्थ उसको अपने तरफ खींच रहा, अगर उसको नेट फोर्स जीरो चाहिए तो आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सच दैट वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बाद में खोज लेंगे, अभी तो हम लोग ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है mg, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ई और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया mg बाय ई। वैल्यूज पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 × 10⁻³¹, ये याद होना चाहिए आपको, जी के वैल्यू को बोल दिया क्वेश्चन में 10 लेने, डिवाइडेड बाय ई, ई होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको ई का वैल्यू मिलेगा। अब देखो सब ऑप्शन में, अब देखो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब ऑप्शन में आप देख सकते हो 5.68 तो आ ही रहा है, तो ऑफकोर्स ये 5.68 ही आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट मत करो, पावर में फर्क आ रहा है, ठीक है। तो पावर हम लोग देख लेते अच्छे से, ध्यान देना, ये देखना 9.1 डिवाइड बाई 1.6 ही आपका 5.68 है, बाकी 10 की पावर ही है, तो यहाँ पे 10 की पावर टोटल -30 है, एक चिन्ह को हटा दे तो, और -30 में से 19 हटा दे तो 11, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया 5.68 × 10⁻¹¹, तो ऑप्शन वन सही हो सकता है और ऑप्शन टू सही हो सकता है, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, क्योंकि वन और टू में यही फर्क है डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुआ, ठीक है, तभी किसी इलेक्ट्रॉन पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोल्ड फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा mg के डायरेक्शन में, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है। ये था 114। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका